नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ अभिषेक। अब उत्तर प्रदेश चुनाव दिलचस्प हो गया है क्योंकि अब साइकिल में चाचा की चाबी लग चुकी है। जी हां, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आज शाम करीब 3:30 बजे अचानक अपने चाचा और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल यादव से मिलने उनके घर पहुंच गए। चाचा और भतीजे की इस मुलाकात की जानकारी सियासी गलियारों में आते ही यूपी की राजनीति में अचानक हलचल तेज हो गई। कुछ देर बाद अखिलेश यादव ने शिवपाल यादव के साथ अपनी तस्वीर भी ट्वीट कर इस बात की जानकारी पर मुहर लगा दी कि अखिलेश यादव ने कहा है कि प्रसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मुलाकात हुई और गठबंधन की बात तय हुई। क्षेत्रीय दलों को साथ लेने की नीति सपा को निरंतर मजबूत कर रही है और सपा और अन्य सहयोगियों को ऐतिहासिक जीत की ओर ले जा रही है। बता दें कि शिवपाल सिंह यादव पूर्व में अखिलेश यादव की सरकार के सबसे कद्दावर मंत्री के रूप में काम करते रहे हैं। मुलायम सिंह की सरकार के वक्त से ही उन्हें समाजवादी पार्टी का एक कद्दावर चेहरा भी माना जाता है। 2017 के विधानसभा चुनाव के दौरान शिवपाल और अखिलेश यादव के बीच दूरियां पनप गई थी। शिवपाल ने इसके बाद अपनी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का गठन किया था, लेकिन अब समाजवादी के साथ ये प्रगतिशील समाजवादी पार्टी मिल चुकी है, यानी चाचा के साइकिल में अब चाबी चाचा की लग चुकी है। तो ही समाजवादी पार्टी और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के बीच गठबंधन को लेकर डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा यादव को कहा है कि इस गठबंधन का कोई मतलब नहीं है। सपा ने इससे पहले बसपा से भी गठबंधन किया था। क्या कुछ कहना है दिनेश शर्मा का, सुनाते हैं। कि पहले से इन लोगों का जो इतना बड़ा गठबंधन था बीजेपी और समाजवादी पार्टी से, गठबंधन बड़ा नहीं हो सकता। अब वो गठबंधन जब धराशायी हो गया, सपा और कांग्रेस का गठबंधन भी कोई कमजोर गठबंधन नहीं था, वो धराशायी हो गया। तो छोटे मोटे गठबंधन की बात करके आप तुलना क्यों कर रहे हैं? मैं समझता हूँ बीजेपी का मुकाबला किसी से नहीं है, इन सब का मुकाबला आपस में है। लेकिन चाचा भतीजे की जो बीच की दूरी थी वो कहीं के खत्म कर समाजवादी पार्टी की बेल्ट वाले जिलों में, हमारा काम है कि हम समाज की दूरी तो वहीं चाचा भतीजे के साथ आने पर बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी और कांग्रेस के एमएलसी दीपक सिंह का क्या कुछ कहना है, हम आपको सुनाते हैं। वर्ष 2017 के चुनाव से पहले जब जनता को अपने काम का हिसाब देना था, तब चाचा भतीजे पिता पुत्र के बीच में एक गृह युद्ध छिड़ा हुआ था। उत्तर प्रदेश की जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही थी। आज 2022 के चुनाव से पहले कैसे सत्ता प्राप्त की जाए, इसकी जुगत में चाचा भी परेशान है और भतीजा भी। आज चाचा भतीजे फिर से वापस गठबंधन करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता इस परिवारवादी संगठन को पूरी तरह से नकार चुकी है। 2017 के चुनाव में नकारा है, 2019 के चुनाव में नकारा है, आज 2022 के चुनाव में जनता फिर विकास के मॉडल पर योगी आदित्यनाथ जी के साथ रहेगी, योगी जी को फिर से मुख्यमंत्री बनाएगी। 5 साल तक विपक्ष की भूमिका निभाने की जरूरत थी, तब कोई जनता के साथ खड़ा नहीं हुआ। शायद चुनाव आ रहे होंगे, लोग हार से डरे हुए हैं, गठबंधन खोज रहे हैं, साथी खोज रहे हैं, कौन किसकी मदद करता है, कौन किससे मिलता है। कांग्रेस पार्टी ने से चिंतित है, न कांग्रेस पार्टी के एजेंडे का हिस्सा है। जिन पार्टियों ने अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं किया, परोक्ष अपरोक्ष रूप से भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े रहे, उनको कांग्रेस पार्टी जवाब देती रही है और 2022 के विधानसभा चुनाव में जनता उन्हें जवाब देगी। तो चाचा भतीजे की इस मुलाकात और उसके बाद जो गठबंधन बना है, इस पर पैनी नजर रखे हुए हमारे ब्यूरो हेड अनिल के अंकुर उनके पास चलते हैं और जानते हैं। अनिल के अंकुर जी, अगर बात की जाए तो अब चाचा भतीजे एक साथ हो चुके हैं, या कहें कि चाचा की साइकिल यानी भतीजे की साइकिल और चाचा की चाबी दोनों एक हो चुकी है। आने वाले चुनाव में कितना प्रभाव पड़ने वाला है इन दोनों के मिलन से? देखिए वीर जी, सबसे बड़ी बात तो ये है कि देर आए दुरुस्त आए, क्योंकि देखिए मामला 2017 से आप अगर देखें, 2017 के चुनाव से लेकर अब तक की बात है, तो अब पूरी कहानी में जिस तरीके लगता है 2017 का चुनाव किस तरीके से समाजवादी पार्टी को बैकफुट पर जाना पड़ा, 2017 के परिणाम आए, फिर 2019 में लोकसभा चुनाव होता है, वहां उसमें भी लोकसभा चुनाव में दोनों के बीच में तलब दोस्ती नहीं हुई, उसके भी रिजल्ट सामने आ गए। अब 2022
2022 का चुनाव सामने है और ऐसी स्थिति में अगर इन दोनों अलग परिवार अगर एक ना होता, क्योंकि समाजवादी पार्टी का जो गठन हुआ था, समाजवादी पार्टी को खड़ा करने में जो शिवपाल की अहम भूमिका रही है, जमीनी स्तर पर रही है, कौन आदमी कितना एक्टिव रहा है, ये पूरा मोड या तो मुलायम सिंह जो नेताजी है वो जानते थे, मुलायम सिंह यादव जानते थे, या फिर शिवपाल यादव, क्योंकि मुलायम सिंह के दिशा निर्देशों को गाँव गाँव तक पहुंचाने का काम पहले इतने अच्छे आपके सोशल मीडिया तंत्र नहीं हुआ करते थे, ना व्हाट्सएप होता था, ना फेसबुक होता था, कि तो बहुत जो किस तरीके से गांव गांव तक पहुंचाना है, ये नेताजी ने मुलायम सिंह यादव ने कई बार खुद भरी जनता में, भरी जनसभा में ये इस बात को स्वीकार किया है। तो ये निश्चित कह सकते हैं कि इसमें शिवपाल का बड़ा योगदान था, इसका लाभ अखिलेश को उठाना चाहिए था। और चूंकि दोनों में इतना तकरार बढ़ गई थी कि दोनों अपने प्रगतिशील पार्टी बनाने के बाद जिस तरीके से शिवपाल ने अलग अलग एक अभी पार्टी बनाई, चुनाव लड़े, उसके बाद रथ यात्रा भी इन्होंने अखिलेश के साथ साथ निकाल दिया अलग से, तो रथ यात्रा का ज्यादा कोई रिएक्शन जब नहीं दिखाई दिया तो इनके पास दूसरा रास्ता नहीं दिखा था। हालांकि जैसा कि अखिलेश ने आज से लगभग 1.5 महीने पहले ही इस बात का अनाउंसमेंट किया था। अनिल केंकुर जी, आपको रोकना चाहूंगा, हमारे साथ उमा शंकर जी जुड़े हुए हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता है। उमा शंकर जी, आप क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि आज चाचा भतीजे साथ हो चुके हैं, गठबंधन हो चुका है और अब ये कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी अब और मजबूत हो गई है, आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे। जी, समाजवादी पार्टी और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी यानी कि चाचा और भतीजे दोनों साथ हो चुके हैं, यानी उत्तर प्रदेश में और जो आने वाला चुनाव है इसके लिए समाजवादी पार्टी और मजबूत हो गई है, इस लड़ाई को और इस साथ को आप कहां देखते हैं? उमाशंकर जी, आवाज क्या पहुंच पा रही आप तक? जी, आ रही। जी उमाशंकर जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, आपकी प्रतिक्रिया हम जानना चाहेंगे कि जो समाजवादी पार्टी और प्रगतिशील यानी कि शिवपाल यादव और अखिलेश यादव साथ हो चुके हैं, ये कहा जाता था कि अगर समाजवादी पार्टी के साथ अगर चाचा पहुंच जाएंगे, मिल जाएंगे तो मजबूत हो जाएंगे, क्या कहना चाहेंगे आप? रहिमन धागा प्रेम का जी, मत तोड़ो चटकाए, तोड़े फिर ना जुड़े और जुड़े गांठ पड़ जाए। ये एक ऐसा बहुत प्रैक्टिकल कहावत है जी, जो हमारे रहीम जी पहले ही कह के जा चुके हैं। अब ये नहीं समझ में आ रहा है कि शिवपाल यादव जी अखिलेश यादव जी के पास गए, या अखिलेश यादव जी शिवपाल यादव जी के पास गए, या अखिलेश यादव जी आजम खान से मिलना भूल चुके हैं। तमाम चीजें हैं, आप मेरी बात समझ रहे होंगे, आपके दर्शक बखूबी इस बात को समझ रहे होंगे कि मैं कह क्या रहा हूँ। हमारे कांग्रेस पार्टी के ऊपर इस बात का फर्क नहीं पड़ता है कि वो शिवपाल यादव जी अखिलेश यादव जी मिलके चुनाव लड़ने जा रहे हैं, गठबंधन करेंगे, विलय करेंगे। कांग्रेस पार्टी अपना काम कर रही है, कांग्रेस पार्टी की 403 सीटों पर तैयारी है, लेकिन अखिलेश यादव जी का डर बड़ा स्पष्ट दिख रहा है। जिस चाचा को पार्टी से उन्होंने निष्कासित किया, जिस पिताजी को राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से उन्होंने हटाया, आज उन सबके चरणों में नतमस्तक हो रहे हैं और तमाम दलों के थके हारे लोगों को पार्टी में ज्वाइन करा रहे हैं। तमाम ऐसे लोग जो चार चार बार चुनाव नहीं जीत पाए, ऐसे लोगों को पार्टी में शामिल करा रहे हैं। ये इतना डर किस बात का है? सत्ता उनके पास अब नहीं आनी है तो, लेकिन सत्ता के लिए वो कोशिश कर रहे हैं, करते रहे, लेकिन जनता क्या समाजवादी पार्टी के सरकार के कुशासन को भूली है क्या, जो 2012 से लेकर 2017 तक उन्होंने चलाया? हर थाने जो है वो समाजवादी पार्टी के गुंडों की शरण स्थली बन गई थी, पूरे जेल हो या थाने हो समाजवादी पार्टी के लोगों के कब्जे में था, सड़क पर बहन बेटियों का चलना मुश्किल हो गया था। वो विवत्स कांड बुलंदशहर में नेशनल हाईवे के किनारे, जहां पर माँ और बेटी के साथ 12 लोगों ने बलात्कार किया था, क्या वो इतिहास उत्तर प्रदेश की जनता भूल गई? और इससे भी आगे बढ़कर समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव के पहले मुजफ्फरनगर दंगों का जो स्क्रिप्ट लिखा, जिसमें सैकड़ों लोगों की जाने गई, क्या वो उत्तर प्रदेश भूल सकता है क्या? तमाम तरीके का भ्रष्टाचार, क्या वो उत्तर प्रदेश भूल सकता है क्या?
कांग्रेस पार्टी ने उमाशंकर जी आपको रोकना चाहूंगा, हमारे साथ हरीश श्रीवास्तव जी जुड़े हुए हैं, बीजेपी पार्टी से ताल्लुकात रखते हैं। हरीश जी, जिस तरीके से उमाशंकर जी ने बात कही है कि अब चाहे शिवपाल यादव साथ हो या तो अखिलेश यादव साथ में हो, कोई भी जुड़ जाए, कांग्रेस पार्टी 403 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्या कहना चाहते हैं कि जो बीजेपी की लड़ाई है, आपकी जो लड़ाई है, क्या वो कांग्रेस पार्टी से है या समाजवादी पार्टी से, और इस गठबंधन को आप किस नजरिए से देखते हैं? हरीश जी, देखिए, ये जो जात पात के गठबंधन है, जो परस्ती के गठबंधन है, ये उत्तर प्रदेश की जनता के सामने टिकने वाले नहीं। ये जात पात की गुड़ागणित बहुत हो गई, ये सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की गुड़ागणित बहुत हो गई, ये जो मुस्लिम वोटों की तुष्टिकरण की गुड़ागणित बहुत हो गई, और परिवार और कुनबे की गुड़ागणित बहुत हो गई। उत्तर प्रदेश की जनता सब जानती है, शिवपाल जी मिले, अखिलेश जी मिले, कोई जी मिले, उसका उत्तर प्रदेश की जनता पे असर नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि राहुल जी अखिलेश जी मिले थे तब भी रिजल्ट उत्तर प्रदेश जनता ने दिया था, मायावती जी बुआ और भतीजे मिले थे तब भी उत्तर प्रदेश की जनता ने परिणाम दिया था, और अब शिवपाल जी अखिलेश जी और ओम प्रकाश जी और फलाने जी ढिकाने जी सब मिल रहे हैं, अब भी उत्तर प्रदेश की जनता उसका परिणाम। हरीश जी उमाशंकर जी को आप जवाब दीजिए कि क्या लड़ाई भारतीय जनता पार्टी की कांग्रेस से है, क्योंकि कांग्रेस का कहना है कि हम ही है लड़ाई में। देखिए, कोई भी लड़ाई में हो जी, जो भी लड़ेगा भारतीय जनता पार्टी से लड़ेगा, और उत्तर प्रदेश की जनता, सम्मान्य जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी है, इसलिए सबको परिणाम पता है। ये बात अवश्य है कि चुनाव है, सब लोग अपनी अपनी जोर आजमाइश करेंगे, और जो कमल है वो भारतीय जनता पार्टी का सब। उमाशंकर जी हरीश जी का कहना है कि कमल तो भारतीय जनता पार्टी का ही खिलेंगे, चाहे कोई साइकिल पर सवार हो जाए या कोई हाथ मिला ले। हालांकि ये भी देखा जाता है उमाशंकर जी कि आपका साथ साथ आपके चलने से लोग हिचकिचा रहे हैं, साइकिल पर सवार हो रहे हैं और गठबंधन बन रहे हैं, लेकिन कांग्रेस का साथ कोई नहीं पकड़ रहा है। कांग्रेस पार्टी आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने पहले ही ऐलान कर दिया कि कांग्रेस पार्टी कोई गठबंधन नहीं करेगी, अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। आप देखिए, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी जो सत्ता जाने के डर से इतने बेचैन है कि ये भी लोगों से गठबंधन कर रहे हैं, कई दलों का गठबंधन भाजपा ने कर रखा है। आप समाजवादी पार्टी को देख रहे हैं कि जो भी मिल रहा है सबको पार्टी से जोड़े जा रहे हैं, तो ये दो दलों का जो अलायंस दिख रहा है ये इनके डर का नतीजा है। कांग्रेस पार्टी ने तो पहले ही प्रियंका गांधी जी ने कह दिया कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। और मैं दूसरी बात कह दूं, आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी सपा पर प्रहार करेगी, सपा भाजपा पर प्रहार करेगी। ये पर्दे के पीछे का जो स्क्रिप्ट है वो ये बता रहा है कि कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में नहीं आनी चाहिए, इसलिए ये खेल हम आपस में खेलेंगे। ये पर्देदारी है जो मुलायम सिंह यादव जी ने लोकसभा में नरेंद्र दामोदर दास मोदी को कहा था कि मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ दोबारा प्रधानमंत्री बनकर आए, ये इनका वो जो गणित है जिसमें भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी आपस। बिल्कुल बिल्कुल उमाशंकर जी, खैर ये तो आने वाला वक्त ही बनाएगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया उमाशंकर जी और हरीश श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। हमारे साथ हमारे ब्यूरो हेड अनिल के अंकुर जी भी जुड़े हुए थे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपने जो बताई बात कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी और प्रसपा प्रगतिशील समाजवादी पार्टी एक हुए, हालांकि समाजवादी पार्टी का कुनबा मजबूत हुआ है ये हम कह सकते हैं, तो ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि चुनाव के बाद क्या कुछ होगा और आगे की अब रणनीति क्या बनेगी समाजवादी पार्टी की। उत्तर प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने वित्तीय वर्ष 2021-22 का अनुपूरक बजट पेश किया। इसके अलावा वित्त मंत्री ने 2022-23 के लिए लेखानुदान भी पेश किया है। सदन में पेश किए गए इस अनुपूरक बजट के माध्यम से सरकार ने प्रदेश के लिए सौगातों का पिटारा खोला है। वित्त मंत्री ने 8479 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश किया है। इसके अलावा 1,68,903 करोड़ का लेखानुदान भी पेश किया गया है।
अनुपूरक बजट के माध्यम से बीजेपी अपनी योजनाओं को उधार देने की कोशिश करेगी। वहीं सरकार में अनुपूरक बजट में से हर घर बिजली योजना के लिए अलग से 185 करोड़, खेल विभाग को बजट में 10 करोड़, काशी विश्वनाथ और गंगा दर्शन के लिए 10 करोड़ का बजट रखा गया है और यूपी गौरव सम्मान के लिए 10 करोड़ समेत कई अन्य बजट भी पेश किए गए हैं। तो सदन की पूरी कार्यवाही के दौरान विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है, जिसके कारण सदन एक बार आधे घंटे के लिए स्थगित किया गया। हम आपको तस्वीर भी दिखा रहे हैं, 6 तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। अनुपूरक बजट जब पेश किया गया है उसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने संबोधन किया है और विपक्ष पर जमकर उन्होंने प्रहार भी किया है और सदन में जब विपक्ष हंगामा काटा है वो तस्वीर भी आपकी टीवी स्क्रीन पर है। फिर कांग्रेस का प्रदर्शन बाहर भी हुआ है, सपा का भी प्रदर्शन किया गया है और सुबह सपा का भी प्रदर्शन और हंगामा बाहर सदन के देखा गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से चयनित अधिकारियों और कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र वितरित किया है। इस बीच उन्होंने प्रदेश सरकार की अन्य नीतियों के बारे में जानकारी देने के साथ ही नवनियुक्त युवाओं को ईमानदारी के साथ लोक सेवा करने का संदेश दिया। गन्ना एवं सिंचाई विभाग में नियुक्त किए गए इन युवाओं को सीएम ने अपने हाथों से नियुक्ति पत्र सौंपे हैं। सुशासन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ये केवल सरकार बदल देने से ही मात्र कार्य नहीं होने वाला है, बल्कि पूरी प्रशासनिक मशीनरी में भी जब तक अच्छे लोगों का चयन नहीं होगा, अच्छे लोगों के चयन, उनके प्रशिक्षण और उनको कार्य करने का एक सकारात्मक माहौल जब तक नहीं मिलेगा, तब तक हम सुशासन के लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। जौनपुर में पूर्व सीएम अखिलेश यादव की विजय यात्रा के दौरान आयोजित सभा में सुबह सपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर भाजपा पर जमकर निशाना साधा है। ओम प्रकाश राजभर का कहना है कि आज से करीब 3 साल पहले मैंने सीएम योगी से कहा था कि हम तुम्हें वहीं भेज देंगे जहां सारंगी बजानी सिखाई जाती है। गृह मंत्री, प्रधानमंत्री फोन करके सिफारिश होता कि राजभर जी, हम कथला की अब 11,000 वोल्ट का ओम प्रकाश राजभर जी छुअला बेटा तो जर के मर जाए भाया, ये जान जा। अब तू लोग के हम पहला 3 साल पहले कहले है, आज के लगभग 3 साल पहले कहले है योगी जी से कि तू यार जौने जिला कहाया मर दे, हम तुहां वही पहुंचाई जहां भीख मांगा का ट्रेनिंग दिया ला। ये सरंगी कहां बजावल ना, सरंगिया वाले ने भीख मांगा ला, उन्ना वही पहुंचाई। बैंक कर्मचारियों के 9 संगठनों के शीर्ष निकाय यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस ने 16 और 17 दिसंबर 2021 को 2 दिन की हड़ताल का ऐलान किया है। यूनाइटेड फोरम ने देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया। बता दें कि 2 सरकारी बैंकों के प्रस्तावित निजीकरण के खिलाफ इस हड़ताल का ऐलान किया गया। ऐसे में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया समेत देश के तमाम बैंक आज और कल बंद रहेंगे। हम आपको तस्वीर भी दिखा रहे हैं, जगह जगह हड़ताल की तस्वीर है। बैंक कर्मचारियों ने हड़ताल में हिस्सा लिया है और सरकार से निजीकरण को बंद करने की मांग की है। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने देहरादून में विजय सम्मान रैली के माध्यम से चुनावी शंखनाद कर दिया है। साथ ही अपने परिवार और उत्तराखंड के शहीदों को देश के लिए कुर्बान होने को भी जोड़ा है। जनसभा में राहुल गांधी ने बीजेपी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि मेरे पिताजी और दादी जी ने देश के लिए शहादत दी है, उत्तराखंड ने देश के लिए सबसे ज्यादा खून दिया। 1971 में 13 दिन में पाकिस्तान ने हार स्वीकार की, लेकिन आज देश को बांटा जा रहा है। बीजेपी एक भाई को दूसरे से लड़ाने का काम कर रही है। जब मुझे स्कूल में बताया गया कि इंदिरा गांधी जी को 32 गोलियां लगी हैं, मैं भूल नहीं सकता। और वैसे ही उत्तराखंड में हजारों परिवार हैं जिनके घर में फोन आया पापा शहीद हो गए, चाचा शहीद हो गए, रिश्ता है आपके बीच में, मेरे बीच में, इसलिए मैं खुल के बोल सकता हूं आपके साथ। कोई कहता है सेना ने लड़ाई जितवाई,
कोई कहता है पॉलिटिकल लीडरशिप ने लड़ाई जितवाई, कोई कहता है नेवी ने लड़ाई जितवाई, कोई कहता है एयरफोर्स ने लड़ाई जितवाई, नहीं, हिंदुस्तान के हर व्यक्ति ने, हर जात ने, हर धर्म ने एक साथ मिलकर पाकिस्तान को हराया। एक भाई को दूसरे भाई से लड़ाया जा रहा है, एक भाई दूसरे भाई को डरा रहा है, कमजोर लोगों को मारा जा रहा है, और पूरी की पूरी सरकार दो तीन लोगों के लिए, दो तीन पूंजीपतियों के लिए चलाई जा रही है, दो उद्योगपतियों के लिए, दो तीन उद्योगपतियों के लिए। हिंदुस्तान के हर एक किसान की आमदनी की मेहनत उनसे छीनी जा रही थी। कांग्रेस पार्टी खड़ी हुई, किसान खड़े हुए, बाकी विपक्ष के लोग खड़े हुए, इसीलिए प्रधानमंत्री ने माफी मांगी।